गर्मियां आते ही आम का सीजन स्टार्ट हो जाता है। इस सीजन में कच्चे पक्के ढेरों आम आते हैं और आम का सीजन आते ही हम बनाने लगते हैं साल भर के लिए आम का अचार। उस समय तो धूप होती है तो हम अचार आराम से बना सकते हैं। अगर हम अचार बनाने में लेट हो जाएं तो बारिश का सीजन आ जाता है और अचार बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय आम गर्मी और उमस की वजह से जल्दी पीले पड़ने लगते हैं और धूप भी कम निकलती है। तो ऐसे ही सीजन के लिए मैं आपके लिए दो तरह के अचार बताऊंगी। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो पहला अचार बताने वाली हूँ, इस अचार को बनाने के लिए ना तो आपको बहुत ढेरों मसाले की ज़रूरत होगी और ना ही तेल की और ना ही धूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले हींग का चटपटा अचार। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए ये हमने चार आम ले लिए हैं। इन आमों को पहले हम छील लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने सारे आम छील लिए हैं। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। गुठलियों को साइड निकाल देंगे। इन्हें मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। कट करने के बाद दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस, मैंने सारे आमों को कट कर लिया है। इन्हें बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए, कटे हुए आमों को मैंने बाउल में कर लिया है। अब डालेंगे हम इसमें मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम 2 चम्मच नमक। नमक को मिक्स कर देंगे। नमक अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम डाल लेते हैं बाकी मसाले। ये हमने 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इसे डाल लेंगे। ये देखिए, हमारे देश का नक्शा बन गया। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच हींग डालेंगे। इन सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। वैसे तो आप ऐसे ही अचार रख सकते हैं, पर मैं लास्ट में थोड़ा सा काला नमक डालूंगी। काले नमक से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये बनकर तैयार है हमारा हींग का अचार। इसे भर के हम एक कांच के जार में रख लेंगे, या आपके पास चीनी मिट्टी की जो अचारदानी आती है उनमें भर के रख लें। ये अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है गैस, एक बार ज़रूर बनाएं। ये देखिए, मैंने इसे जार में भर लिया है। देखा ना कितना आसान था हींग वाला अचार बनाना। चलिए तो अब हम दूसरा अचार बनाते हैं। ये अचार है लच्छा अचार। इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये हमने इसके लिए 4 आम ले लिए हैं। इन्हें भी हम पहले छील लेंगे। पहले हम ये ऊपर के हटा देंगे, फिर सारे आमों को छील लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने सारे आम छील लिए हैं। अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। आम देखने में पीले लग रहे हैं ना, इस मौसम में आम ऐसे ही आते हैं। ये हमने ग्रेटर ले लिया है। इसमें कई साइड होते हैं, मोटे पतले, पर हम मोटे वाले साइड से कद्दूकस करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम सारे आमों को कद्दूकस कर लेंगे। हमने सारे आम कद्दूकस कर लिए हैं तो अब हम इसे हटा देते हैं और इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे कद्दूकस किए हुए आमों को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई राई डालेंगे, 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और लास्ट में डालेंगे काला नमक 1/2 चम्मच। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मसाले तो सारे मिक्स कर लिए हमने।
चलिए तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ, क्योंकि अब गरम करना है हमें ऑयल और उसमें थोड़े से हम मसाले भी भूनेंगे। ये देखिए गैस, हमने कढ़ाई रख ली है। इसमें हम डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। ये देखिए गैस, हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें खूब धुआं निकल रहा है। तेल अच्छे से गरम कर लें, उसके बाद गैस को धीमा कर दें या थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब डालेंगे हम इसमें राई। अब गैस को हम थोड़ा चालू कर लेंगे ताकि हमारे मसाले थोड़े थोड़े भून सकें। देखिए गैस, राई हमारी भून चुकी है। अब डालेंगे हम 1 चम्मच सौंफ, ये हमने साबुत सौंफ ली है, इसे भी थोड़ा भून लेंगे। गैस बिल्कुल धीमा ही रखें। आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे। लास्ट में थोड़ी अजवाइन डालेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे ताकि हमारा ऑयल ठंडा हो जाए। मेथी और अजवाइन लास्ट में डालने का कारण यही है कि मेथी और अजवाइन जले ना, नहीं तो अचार कड़वा लगेगा। हमारा तेल ठंडा हो चुका है, अब हम इसे अचार में डाल लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने सारा तेल अचार में डाल लिया है। इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सारा तेल हमने मिक्स कर दिया है। अचार हमारा बनकर रेडी है। इसे हम सिरेमिक वाले जार में कर लेंगे। देखा ना गाइस, ये अचार भी बनाना कितना आसान था। तो आप ये अचार कब बना रहे हैं, क्योंकि अब आम का सीजन बिल्कुल जाने ही वाला है। ये देखिए गाइस, हमारा आम का लच्छा अचार बनकर रेडी है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसे लगे आपको ये दोनों अचार। अगर अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कैसे लगे। मिलते हैं इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।